वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 के इस उद्घाटन समारोह में देश और विदेश से आए सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट भाइयों और बहनों का मैं इस आर्थिक नगरी बम्बई में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारे इस कार्यक्रम में वर्चुअल जिनका संबोधन हुआ भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी आई की अध्यक्ष सुश्री अस्मा रेस मोकी जी एल जॉनसन जी और भारत चार्टेड अकाउंटेंट एसोसिएशन के यशस्वी अध्यक्ष सीए डॉक्टर देवाशीष मित्रा जी उपाध्यक्ष अनिकेत सुनील तलानी जी इस कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन प्रबुल छाचेठ जी आईसीआई के केंद्रीय परिषद के सभी सदस्यगण मैं आप सबको इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से भारत का सौभाग्य है कि काफी सालों के प्रयास के बाद ये वर्ल्ड कांग्रेस की मेजबानी का अवसर हमें मिला है इसके लिए मैं आईसीआई के अध्यक्ष जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ जिनके प्रयासों से संभव हो पाया और आज हमें खुशी है कि इस वर्ल्ड कांग्रेस में सौ से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं भारत के सभी राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं और देश और दुनिया के अर्थ के शिल्पकार आज यहाँ एकत्रित होकर किस तरीके से हम वैश्विक आर्थिक जगत के अंदर नया परिवर्तन कर सकते हैं वैश्विक आर्थिक तंत्र को कैसे सशक्त मजबूत कर सकते हैं इसके लिए आप चर्चा करेंगे मंथन करेंगे क्योंकि आप सब आर्थिक जगत के इंजन हैं और देश दुनिया के अर्थतंत्र के स्तंभ भी हैं इसलिए मुझे आपके बीच में आ, आने का मौका मिला ऐसे चार्टेड अकाउंटेंट परिवार मेरा भी परिवार है क्योंकि मेरी बेटी भी चार्टर्ड एकाउंटेंट है इसलिए ये मेरा भी परिवार है इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आज देश और तो दुनिया के अंदर भरोसे विशिष्टता प्रमाणिकता के कारण भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंटों ने एक प्रमाणिकता विशिष्टता साबित की है भारत की संसद द्वारा 1949 के अंदर एक अधिनियम के द्वारा इस संस्था का निर्माण हुआ और देश की अर्थव्यवस्था को सुचिता देश की अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा और उसकी ऑडिटिंग ठीक हो इसके लिए ये प्रयास आज भी यह संस्था लगातार कर रही है मैं हमेशा जब आप लोगों के बीच में जाता हूं तो एक बात कहता हूं कि दुनिया के अंदर भारत की इस संस्था के अंदर इतने वर्षों की परीक्षा के अंदर कभी भी कोई सवाल नहीं उठा जिस तरीके से परीक्षा प्रणाली आपकी विशेषता प्रमाणिकता है ये एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है भारत के लिए और विशेष रूप से आप सबके लिए क्योंकि अकाउंटिंग प्रोफेशनल एक प्रतिष्ठित प्रोफेशनल भारत में माना जाता है इसका विश्वास उसकी पारदर्शिता उसकी जवाबदेही आप सबके कारण लगातार इसकी प्रतिष्ठा के अंदर निरंतर वृद्धि हो रही है हमेशा सी ने अपनी परिभाषित भूमिकाओं से आगे बढ़कर काम किया है वित्त नीतियों के अंदर वित्त ढांचे के विकास में आपका एक अभूतपूर्व योगदान रहा है इसीलिए आपकी इस अद्भुत क्षमता के कारण आज भारत की अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से बढ़ रही है साथियों प्राचीन शास्त्रों के अंदर भी हमारे चार शास्त्र धर्म अर्थ काम मोक्ष और विशेष रूप से अर्थ की उस समय भी महत्ता थी और आज भी अर्थतंत्र के योगदान के कारण आपको आर्थिक जगत का ऋषि मुनि भी कहा जाता है और इसीलिए हमारे चार्टेड अकाउंटेंटों ने नए इनोवेशन नई सोच नई तकनीकी के नए सामर्थ्य के साथ भारत में एक सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं और इसी के कारण आज विश्व के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था सशक्त मजबूत है सही कहा मित्रा जी ने दुनिया की सबसे बड़ी आबादी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा संविधान और दुनिया में सबसे तेजी से चलने वाली अर्थव्यवस्था आज भारत की है और भारत के चार्टेड अकाउंटेंटों की प्रशासनिक और मैनेजमेंट की क्षमता इतनी अद्भुत है चाहे किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जाएं, किसी कंपनी के सीईओ के रूप में जाएं, सी में जाएं, राजनीतिक क्षेत्र में जाएं, सामाजिक क्षेत्र में जाएं, हर क्षेत्र में जहां भी जाएं, अपनी बेहतर स्किल्ड के कारण बेहतर मैनेजमेंट के कारण आज हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि सभी चार्टेड अकाउंटेंट उस संस्था का नेतृत्व कर रहे हैं और दुनिया के अंदर जितनी भी बेहतर कंपनियां हैं उनकी सीईओ, सीएफओ के रूप में भी उन्होंने उस कंपनी की मैनेजमेंट आर्थिक तंत्र को बहतीन कर कर उसकी नई दिशा देने का और उसको प्रॉफिट में लाने का काम किया है आपकी नेतृत्व क्षमता अद्भुत है विलक्षण है और इसीलिए आज जब आप कई विषयों पर चार दिन तक चर्चा करेंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय ट्रस्ट का विश्वास का और आज भी भारत के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंटों पर अति विश्वास है उनकी विशेषता उनकी प्रमाणिकता उनकी जवाबदेही पारदर्शिता इतनी भी है कि चाहे कोई भी संस्थान हो उस संस्थान का व्यक्ति हमेशा अपने चार्टेड अकाउंटेंट की सलाह से जो भी क्या काम शुरू करना चाहता है उसमें आपकी सलाह आपका विश्वास आपका भरोसा सबसे पहले होता है इसीलिए आज हमारी विशेषता प्रमाणिकता बढ़ी है और इसलिए चार दिन का संवाद और चर्चा भी लोकतंत्र तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और भारत में लोकतंत्र विशाल भी है और विविधता वाला भी है और आपने देखा होगा किस तरीके से हमारी विविधता है हमारी डाइवर्सिटी हमारी यूनिटी ताकत है और आज दुनिया के अंदर हमने बताया है कि जितनी हमारी विविधता है धर्म के आधार पर जाति के आधार पर बोली के आधार पर वेशभूषा के आधार पर खान पान के आधार पर कल्चर के आधार पर जितनी हमारी विविधता है उतनी बड़ी हमारी ताकत है और इसीलिए आज दुनिया के अंदर पिचहत्तर वर्षों बाद भी भारत का लोकतंत्र सशक्त है मजबूत है और हमारा लोकतंत्र इतना पारदर्शिता है कि सत्रह आम चुनाव और 300 विधानसभा चुनाव के अंदर जनता के जनपद के आधार पर जो सरकारें बनती है उसका सच सत्ता का स्थानांतरण हमारे लोकतंत्र की इस पिचहत्तर वर्ष की यात्रा में हमारी ये ताकत है और इसी लोकतंत्र की यात्रा में आज अब सब लोग लोकतंत्र में चर्चा संवाद बातचीत अपने अपने अनुभव अपने अपने बेस्ट प्रैक्टिस से इसको साझा करेंगे और उस साझा करने के बाद जो बेहतरीन परिणाम आएंगे उस परिणाम के आधार पर दुनिया के अंदर एक बेहतरीन अर्थव्यवस्था एक मजबूत अर्थव्यवस्था हो इस दिशा के अंदर आप काम करेंगे और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने अभी जी के अंदर जी के अध्यक्षता भारत को मिली है और भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर हमारी संस्कृति संस्कार के अंदर ही वसुधेव कुटम की भावना है और हमने सारे विश्व को परिवार माना है कोरोना के समय भी और हर चुनौतियों का समाधान विश्व अपने साझे प्रयासों से निकल सकता है यह हमारे प्रधानमंत्री का एक विजन है और इसलिए उन्होंने जी ट्वेंटी में एक दिशा दिए कि एक स्थिर शांति व्यवस्था से हम अपने अपने देशों के अंदर एक आर्थिक इकोनॉमी में बदलाव ला सकते हैं और जब सब देश सामूहिकता से साझे प्रयासों से ये काम करेंगे तो दुनिया के अंदर एक आर्थिक तंत्र में एक बहुत मजबूती आएगी और इसीलिए ये जिम्मेदारी आप पर है क्योंकि किसी देश की आर्थिक तंत्र की महत्वपूर्ण धुरी आप हैं आप किसी भी अर्थ तंत्र के अंदर परिवर्तन करने के एक नायक के रूप में आपकी सबसे बड़ी भूमिका है इसलिए मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि अपने अपने देश के अंदर हम किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को बूस्टर दे सकते हैं हमारे इकोनॉमी में नया परिवर्तन कर सकते हैं आज हमें खुशी है भारत के नौजवानों की बौद्धिक क्षमता के कारण हमारे नए चार्टेड अकाउंटेंट नए प्रोफेशनल हो इंजीनियर हो टेक्निकल हो आई के सेक्टर के अंदर नए जो इनोवेशन हमारा नौजवान कर रहा है आज भारत के अंदर गर्व है कि सत्तर हजार से ज़्यादा स्टार्टअप और सौ से ज़्यादा यूनिकॉम के माध्यम से आज हम देश के अंदर भी और देश के बाहर जितनी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का समाधान भी कर रहे हैं और एक स्टार्टअप के माध्यम से एक मजबूत आर्थिक तंत्र भी स्थापित कर रहे हैं इसलिए उस आर्थिक तंत्र में सबसे बड़ा योगदान आप है आप जिस सेक्टर के अंदर चाहें जिस सेक्टर को ग्रोथ दे सकते हैं परिवर्तन कर सकते हैं क्योंकि भारत एक एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा इलाका है इसलिए हमें और सेक्टर के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर किस तरीके से हम किसानों की आय को बढ़ा सकते हैं उनके प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन बढ़ा सकते हैं ताकि एक मजबूत आर्थिक तंत्र हम स्थापित कर सकें और मुझे विश्वास है कि आपकी नेतृत्व क्षमता के आधार पर इस दुनिया के अंदर भारत की इकोनॉमी को ग्रोथ करने में अगर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा तो आपका होगा और इसीलिए चाहे इंडस्ट्री सेक्टर हो चाहे सर्विस सेक्टर हो तमाम सेक्टर के अंदर आप एक अच्छा ब्लूप्रिंट आप किसी की बैलेंस शीट ही नहीं बनाते बैलेंस शीट की जांच नहीं करते आप मैनेजमेंट मैनेजमेंट के बाद इकोनॉमी और दुनिया के अंदर एक बेस्ट डेस्टिनेशन आज भारत का है और आप सबके प्रयासों से भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने में और इकोनॉमी को अर्थतंत्र के अंदर अन्य देशों के अर्थतंत्र के साथ मिलकर हम किस तरीके से भारत के अंदर आर्थिक डेस्टिनेशन के कारण नया आर्थिक परिवर्तन ला सकते हैं ये जिम्मेदारी भी आपकी है इसलिए देश के आर्थिक बदलाव में आपकी विशेष रूप से भूमिका है इसलिए वैश्वीकरण के इस युग में जब दुनिया के अंदर किसी एक देश के अंदर भी कुछ सामाजिक कुछ तनाव की स्थिति होती है तो उसका दुनिया पर असर पड़ता है इसलिए हमारा मानना है कि दुनिया के सारे देश के अंदर जब आर्थिक तंत्र विकसित होगा तो भारत में भी आर्थिक तंत्र विकसित होगा इसलिए समय समय पर महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चाहे जलवायु परिवर्तन की चुनौती हो चाहे क्लीन एनर्जी का विषय हो भारत ने उन सब चुनौतियों का नेतृत्व किया है और भारत का इतना बड़ा देश इतनी भौगोलिक स्थितियों के बाद भी हमने जलवायु परिवर्तन की दिशा में एक नया योगदान दिया है और आपने इस एजेंडे में लिया है कि कार्बन न्यूट्रिशन बनाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका होगी ये आपने एजेंडे में लिए इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आर्थिक तंत्र को मजबूत करना चाहते हैं इंडस्ट्री सेक्टर को मजबूत करना चाहते हैं लेकिन जलवायु परिवर्तन के लिए भी आप कितने गंभीर हैं ये आपके विषयों के चयन से मुझे लगता है इसलिए आने वाले समय में हम किस तरीके से वैश्विक दृष्टिकोण के माध्यम से अपने साझे प्रयासों के साझा मिलकर एक नई दिशा दे सकते हैं इसकी आप सबको जिम्मेदारी है इसलिए मुझे आशा है कि चार दिन आप लगातार विचार विमर्श करेंगे सिस्टम नवाचारों को अपनाने का प्रयास करेंगे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साझे प्रयासों के माध्यम से हर देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन में विशेष रूप से योगदान देंगे क्योंकि हमारे वैश्विक सहयोग से हम एक मजबूत आर्थिक तंत्र स्थापित कर सकते हैं मुझे आशा है इस दिशा के अंदर आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा मैं इस मौके पर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से हमारे 60 से ज़्यादा देश के अध्यक्ष और 100 से ज़्यादा देशों के आए प्रतिनिधियों को जिनके प्रयासों से ये कॉन्फ्रेंस सफल हुई और मुझे आशा है कि इस कॉन्फ्रेंस में जो एजेंडे आपने लिए उस एजेंडों पर आप चर्चा करेंगे क्योंकि आप वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ अपने अपने कार्य के अंदर उत्कृष्ट काम करने वाले मैनेजमेंट वाले नई तकनीकी नए ज्ञान वाले सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले प्रोफेशनल हैं इसलिए एक बेहतर पेशेवर के रूप में हम किस तरीके से एक नए विकसित विश्व का निर्माण कर सकते हैं एक समृद्ध कुशल आर्थिक विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं और जब एक आर्थिक तंत्र के साथ साथ हम सामाजिक सिस्टम के अंदर भी सामाजिक जीवन के अंदर परिवर्तन का भी काम करेंगे और मुझे आशा है कि जिस तरीके से आई लगातार आर्थिक के साथ समाज के सामाजिक परिवर्तन के लिए जो लगातार सामाजिक काम करती रहती है इसके कारण भारत में एक आर्थिक सामाजिक परिवर्तन आपकी संस्था के सहयोग से लाए गए मैं आपको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं और वर्ड कॉन्फ्रेंस के मेजबानी के रूप में ये वर्ड कॉन्फ्रेंस एक नई दिशा तय करेगी एक नए आर्थिक मापदंडों मानकों को तय करेगी और आने वाले समय में हम विश्व के अंदर नए आर्थिक युग की शुरुआत इस आर्थिक नगरी से होगी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद